आज से अमृत महोत्सव एवं गांधी जयंती पर पुलिस सहायता केंद्र से न्यायालय तक प्रभात फेरी निकालकर विधिक सेवा सप्ताह का किया शुभारंभ। प्रभात फेरी नगर में आकर्षण का केंद्र रहा। पहली बार न्यायाधीश गण सड़कों पर उतर प्रभात फेरी की। आज शनिवार 2 अक्टूबर को माननीय नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव एवं विधिक सेवा सप्ताह के कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे सहायता केंद्र करेरा से प्रभात फेरी निकाल कर किया गया। प्रभात फेरी में न्यायाधीश गण अतुल सक्सेना, शैलजा गुप्ता, एम के वर्मा, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, दयाल सिंह सूर्यवंशी, मोनिका यादव, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवा, सचिव राम नरेश तिवारी, उपाध्यक्ष नवाब सिंह, सीनियर अधिवक्ता विनोद जैन, पीड़ी गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, गिरीश गोयल, अभिषेक गुप्ता, धनीराम लोधी, मनीष गुप्ता, ब्रजमोहन गुप्ता, तहसीलदार जीएस बैरवा, आईटीबीपी के जवान, समाजसेवी, पत्रकार गण और सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल विद्यालय करेरा के सीनियर छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी में सहभागिता की गई। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों का घोष दल प्रभात फेरी में रहा। प्रभात फेरी का पथ संचलन नगर के आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं प्रभात फेरी नगर के पुलिस सहायता केंद्र से बीच भंडार रोड, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, मंशापूरन मंदिर से पुरानी तहसील न्यायालय पर समाप्त हुई। सबसे न्यायालय परिसर स्थित अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा के पास आकर प्रभात फेरी का समापन कर आजादी का अमृत महोत्सव के महत्व को द्वितीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति अतुल सक्सेना के द्वारा अपने विचारों के द्वारा व्यक्त किए गए। इस अवसर पर न्यायालय कर्मचारियों के साथ पुलिस स्टाफ और आम जन उपस्थित थे। प्राचीन सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता से लेकर हमारे देश में, चाहे आप देखेंगे गुप्त काल से लेकर मौर्य काल से लेकर, तमाम प्रकार के जो शासक हैं उन्होंने हमारे देश में राज किया। मुगलों का शासन होता है, आप देखेंगे उस समय से मोहम्मद शाह से लेकर, बहादुर शाह से लेकर, जेविस फ्रांस। आईटीबीपी के जवान और प्यारे बच्चों, ये दोनों बाहर पार्क नहीं है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जो संगठन का केंद्र थे तो हमारे बच्चे, आप सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। महात्मा गांधी के जन्म की बहुत है, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की बहुत बहुत वर्मा साहब, शुक्ला जी, रंजीत जी, मोनिका मैडम, उपस्थित सभी वरिष्ठ अभिभाषक, अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल पत्रकार दिवस से पधारे हुए आप भाई लोग, आईटीबीपी के जवान, मौनिहाल बच्चे, डीएमओ साहब, बाकी रिसोर्स डिपार्टमेंट से रस्तोगी जी और समस्त ऐसे लोग जो छोटे से आह्वान पे आज इस प्रभात कालीन कर्मचारीगण भी मेरे साथ में तकदीर से कंधा मिला के आज उपस्थित हैं। प्रश्न ये पैदा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि एक न्यायाधीश अपने संसदीय आसन से उतर के आज सड़क पे आया सुबह 7 बजे।